ये बात है उस दिन की जहाँ पे मैं अपना नॉर्मली माइनक्राफ्ट खेल रहा एक सर्वाइवल वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड में मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और इस वर्ल्ड में स्पॉन होते ही अपने लिए वुड कलेक्ट किया, वुड से एक क्राफ्ट ऑन टेबल बनाया और उसमें मैंने एक वुड की एक पिकेक्स बना ली। और वहाँ पे मैंने थोड़े नीचे डिग करते हुए स्टोन कलेक्ट की, और डिग करते ही मैंने थोड़े बहुत स्टोन कलेक्ट कर लिए, और स्टोन कलेक्ट करके मैंने थोड़े बहुत स्टोन के टूल्स बना लिए। और यहाँ से मैं निकल पड़ा अपने लिए खाना कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि हम लोग इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते थे। और आगे जा रहे थे कि हम लोग को थोड़ी बहुत शीप्स दिखी, उसे मार के हम लोग ने उसके वूल से एक बेड क्राफ्ट कर लिया। और बेड क्राफ्ट करने के बाद हम लोग को सामने थोड़े पम्पकिंस दिखे और उसे कलेक्ट करते हुए चल ही रहे थे कि सामने हम लोग को थोड़े बहुत वाटरमेलन्स दिखे, जिसे भी हम लोग ने कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे थोड़ी बहुत काउस थी, उसे भी हम लोग ने मारा और हमारे पास सर्वाइव करने के लिए इनफ खाना हो चुका था। और अब शुरू होती उस कहानी की शुरुआत। और आगे जाते ही हम लोग को एक अजीब फ्रूट्स दिखे, जिसे कलेक्ट करके हम लोग को सीड्स मिली। और उसे कलेक्ट कर ही रहते कि तभी हम लोग को एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि इस वर्ल्ड में हमारे अलावा कोई बना नहीं सकता। और उसे देख के हम लोग काफी डर जाते, और उसे देखते ही मैं पीछे की तरफ भागने लगा। और मैं काफी सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि हम लोग बिना डरे उस स्ट्रक्चर के पास जाएंगे, और वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है और इस वर्ल्ड में उसे किसने बनाया। और वहाँ पर जाने के पहले मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे रख दिया था और रिस्पॉन्स पॉइंट भी सेट कर दिया था। और मैंने अपने साथ थोड़ा बहुत खाना और टूल्स लेके मैं चल पड़ा। और उसके पास जाते जाते हम लोग को काफी डर लग रहा था, और हम लोग काफी छुप छुप के जा रहे थे। हम लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके थे। ये कोई टाइम मशीन जैसी चीज थी, जो कि यहाँ पर कैसे आई पता नहीं। और काफी डरते हुए हम लोग ने ये दो लीवर को नीचे किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये जो बीच वाला बटन था, इसको दबा कर हम लोग ने काफी बड़ी गलती की, क्योंकि जैसे हम लोग इस बटन को दबाया, हमारे आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी आई। और वो रोशनी हटते ही हमारे सामने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर और काफी बड़े रोड्स दिखाई दिए, जैसे कि हम लोग इस मशीन से फ्यूचर में आ चुके। और मैं यहाँ वहाँ देख रहा ही था कि मुझे एक पीछे से आवाज आती है, और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे सामने एक अजीब सा प्राणी था। और इसे डरते ही मैं पीछे भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पीछे हम लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग काफी ऊंचाई पे थे। हम लोग उस प्राणी को देखते रहे और हम लोग को चक्कर आने लगी, और हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और इस प्राणी ने हमारे साथ क्या किया, देखने के लिए चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे हम लोग चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।